Hi viewers, you are watching DS Lifestyle, and in this video we will talk about how to breed discus fish. इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि discus fish को आसानी से कैसे breed करें. तो ये वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं फिशेस के ऊपर वीडियो अपलोड करते रहता हूँ. डिस्कस फिश को ब्रीड करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने वाटर केमिस्ट्री को अच्छे से करना होगा. वाटर पीएच लेवल को 6.5 पे सेट करना होगा और नाइट्रेट्स और अमोनिया लेवल को कंट्रोल करना होगा, जिससे कि आपकी फ़िश जो है वो कंफर्टेबल हो जाएगी उस एनवायरनमेंट में, और जब फिश स्ट्रेस के बाहर निकलेगी तभी वो ब्रीड करेगी. तो पहले आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जिसमें आपके फ़िश कंफर्टेबल हो और आराम से उसमें रह सके. बिफोर गेटिंग इनटू डिस्कस फिश ब्रीडिंग, यू नीड टू मेक अ स्टेबल एनवायरनमेंट फॉर योर डिस्कस फिश टू गेट आउट ऑफ स्ट्रेस. सो यू नीड टू फिक्स द पीएच टू 6.5 एंड मेंटेन द अमोनिया एंड नाइट्रेट लेवल्स. डिस्कस फिश को ब्रीड करने के लिए या तो आप मार्केट से एक सेटल्ड ब्रीडिंग पेयर ले लें, जो कि आपको थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा नॉर्मल डिस्कस से, और इस पेयर को आप सेपरेट एक एक्वेरियम में रख दें. इस एक्वेरियम का पीएच मेंटेन करें, सब कुछ आप अमोनिया नाइट्रेट नाइट्राइट लेवल मेंटेन करें. आप डिस्कस को स्ट्रेस के बाहर आने दें. इसे ऐसे जगह पर रखें जहाँ पर ज़्यादा शोर नहीं हो, और जो लाइट्स हैं वो मतलब आप 4 to 5 आवर्स ऑन रखें. उसके बाद मोस्टली आप लाइट्स को ऑफ ही रखें ताकि उन्हें प्राइवेसी मिले, और ऐसी जगह पे इसे रखें जहाँ शोर नहीं हो, ताकि डिस्कस आपके डिस्टर्ब नहीं हो, स्ट्रेस में नहीं आए. जैसे ही वो स्ट्रेस से बाहर निकलेगी, उस जोन में कंफर्टेबल होगी, वो खुद ही ब्रीडिंग करना शुरू कर देगी. और एक बार डिस्कस का ब्रीडिंग पेयर बन जाता तो वो बहुत ब्रीडिंग करते हैं. मतलब आपको खुद उस ब्रीडिंग पेयर को सेपरेट करना होगा. तो आपका जब डिस्कस ब्रीडिंग शुरू करेगा तो या तो वो आपके टैंक के बॉटम पे एग ले कर देगा, या फिर अगर आपके जो फिल्टर का पाइप है उस पर वो एग ले कर देगा. इस सब से बचने के लिए आप अपने टैंक में एक कोन लगा सकते हैं. एक कोन आता है, टैंक कोन, जो कि मिट्टी का बना रहता है. आप उसे अपने टैंक में लगा दीजिए तो आपका जो डिस्कस है वो उसी कोन पे एग ले करेगा, जिसके कारण आपका एग टैंक के बॉटम में नहीं जाएगा या फिर फिल्टर के पास नहीं जाएगा, जिसके कारण वो सक हो जाएगा. तो एक बार आपके डिस्कस जैसे ही एग ले कर देती है तो आप अपने टैंक में ब्लू मिथाइल सॉल्यूशन मिला दें, जिससे कि आपकी जो आपके एग्स हैं वो डिसइंफेक्ट हो जाए, उन पे बैक्टीरियाज नहीं लगे, फंगस नहीं लगे. और अगर ये एग्स फर्टाइल होंगे तो ये कुछ ही दिन में हैच हो जाएंगे, उसमें से फिशेस निकल जाएंगे और आपका डिस्कस फिश उसका केयर करने लगेगा. और अगर आप एक सेटल्ड ब्रीडिंग पेयर नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करें कि एक कम्युनिटी टैंक बनाएं. कम्युनिटी टैंक बनाने के लिए आप एक बड़ा टैंक ले लें, बड़ा एक्वेरियम ले लें, बड़े साइज़ का एक्वेरियम. उसमें आप मिनिमम 3 पेयर ऑफ डिस्कस रखें, और जो वाटर कंडीशन है आप उसे मेंटेन करके रखें, फिल्ट्रेशन अच्छा रखें, और इस जो एक्वेरियम है इसका पानी आप क्रिस्टल क्लियर रखें. इसे अच्छे से मतलब टैंक को मेंटेन करके रखें. तो आप ये देखेंगे कि 6 महीनों के बाद 2 डिस्कस टैंक के कॉर्नर में आ जाएगी और एक पेयर बना लेगी, और ये थोड़ा अग्रेसिव हो जाएंगे. दूसरे डिस्कस से अलग रहने लगेंगे. इनके पास जो डिस्कस आएगी उन पे ये अटैक करने लगेंगे. कुछ दिनों बाद ये फिर एग ले करेंगे. तो जैसे ही एग ले करते हैं आप समझिए कि इन्होंने एक पेयर बना दिया है, और आप इन्हें दूसरे छोटे टैंक में शिफ्ट कर दें, या फिर उसी टैंक में पार्टीशन लगा के इन्हें रखना चालू कर दें. इस टैंक का आप जो पानी है वो मतलब फ्रीक्वेंटली चेंज करें, इसे आप अच्छा वाटर कंडीशन दें, और इसमें एक स्पंज फिल्टर लगा दें, एक कोन इसमें लगा दें, ब्रीडिंग कोन, जिस पे ये एग ले कर सकें. और कुछ दिनों बाद ये खुद ही एग ले कर देंगे. जैसे ही एग ले करेंगे आप पानी में मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन मिला दें, जिससे एग्स पे फंगस या बैक्टीरिया ग्रो नहीं करे, और उसके बाद फिर फ्राइज हैच होंगे. ब्रीडिंग के दौरान आप इन्हें हाई प्रोटीन डाइट दें. आप इन्हें ब्लड वॉर्म्स दें, ट्यूबेक्स वॉर्म दें, और अगर आपको ड्राई पैलेट्स देना है तो आप इन्हें टेट्रा बिट्स दे सकते हैं, जो कि एक बहुत प्रीमियम फूड है. तो अगर आप ये सब चीज़ करेंगे तो आपके डिस्कस अच्छे से ब्रीड करेगी, हेल्दी रहेगी. ब्रीडिंग के दौरान इसे हाई प्रोटीन डाइट इसलिए चाहिए होती है क्योंकि ये एग ले करती है, और जो फ्राइज होते हैं वो उस समय डिस्कस के स्किन से ही फीड करते हैं, वो इनके स्लाइम कोट को खाते हैं, तो उसी वजह से इन्हें थोड़ा ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है. तो आप इन्हें हाई न्यूट्रिशियस डाइट दें जिसके कारण ये हेल्दी रहे. डिस्कस फिश के ब्रीडिंग के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मैंने आपको बता दिया है. मैं इन सभी इन्फॉर्मेशन का एक क्विक समरी आपको दे देता हूँ. तो डिस्कस फिश को ब्रीड करने के लिए सबसे पहला चीज़, आपको एक डिस्कस फिश का ब्रीडिंग पेयर चाहिए. इस ब्रीडिंग पेयर को आप एक छोटे साइज का एक्वेरियम में रखें, और इस एक्वेरियम को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर कम डिस्टर्बेंस हो. आप इसे 3 से 4 घंटे लाइट दें. वाटर पीएच 6.5 रखना और वाटर को क्रिस्टल क्लियर रखना. आपको अपने फिश को एक हाई प्रोटीन डाइट देनी है, और आप एक स्पंज फिल्टर यूज़ करें. आप अपने टैंक में एक ब्रीडिंग कोन लगा दें जिसपे आपकी फ़िश
एग ले कर सके। आप अपने टैंक में मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन भी डाल दें जिससे आपके फिश के एग्स पे फंगस नहीं लगे और वो खराब नहीं हो।